One of the basic tenets of society is honesty. Children are taught this in school, mothers harp on it. Gandhiji said it, and it is inscribed on our national emblem. But India's diverse culture has historically included tribes who have been recorded as criminals. In the last 50 years, some of these tribes have disbanded and moved on to other occupations. But there are some who, according to recent reports, continue with this profession. For them, it is simply a way of life. The outskirts of Mumbai is home to one such community. The police call them the thieves of Ambivali. Ambivali has a population of less than 7,000 and falls in the Kalyan Taluka of Maharashtra. This village is home to the Iranis. They have been categorized as a nomadic tribe by the state government and are actually eligible for state benefits like reservation. But for the uninformed, the Iranis, called Indian Irani in the state census record, are infamous for a range of alleged crimes. यहाँ से हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमता था खाना बदोश था 50 बरस हो गया अभी हम लोग का बसेरा हो गया है गुलाम भाई बोल रहे थे कि वो इसके पहले वो वासिन में थे फिर खान यानी छोटा छोटा गांव में हर जगह रहता था हम लोग उस जमाने में फिर अचानक से आप लोग ने ऐसे डिसाइड कर लिया कि अब अभी रहने फिर अभी दुनिया बड़ा हो गया है दुनिया का आबादी बढ़ गया है हम लोग भी एक जगह बसेरा कर लेना कि हम लोग को भी जिंदगी अच्छा रास्ते पर चलना इसके लिए 50 बरस हो गया हम लोग यहाँ पर बसेरा कर लिया है जब से यहीं पे ऐसा गांव तो बस खाली ईरानी है हम लोग ईरान वही हम लोग का गांव भी वही ईरानी है आप लोग भाषा कौन सी बोलते हैं फारसी भाषा बोलते हैं मादरी फारसी भाषा हम माँ या मे मुनि 50 साल शोत तू हिंदुस्तान अम्बेवली कल्याण माँ 50 साल है कि या मे मुनि लेकिन कोई मदद की रमाने में बचा मुन तू स्कूल नहीं कॉलेज ने मैं गिरन बचा माया माया जाहिल अनपढ़ साखतन कोई समाजदार कोई मदद हमाने में को न माए बुतू दुनिया भी आए मशूदी खाली नाम है हम लोग के ईरान का लेकिन हम लोग का सारे सब कुछ सब यही इंडिया मंगवाए तो 7 पीढ़ी हम लोग के इंडिया में गया अभी तक हम लोग ईरान देखा नहीं कि आप ईरान में क्या होता है नहीं कुछ भी है? नहीं पर लोग आपको ईरानी बोलते खाली ईरानी बोलते हैं हम लोग इंडिया है लेकिन हम लोग का नाम पर ईरानी बुलाते हैं हम लोग को इधर हम लोग को पर जुल्म बहुत हो रहा है बेटा पुलिस का जुल्म बहुत हो रहा है हम लोग को खाली पीले घरों में घुसते बच्चों लोग का आम से दागिने निकालते वो लोग हम लोग का पास सब पावती है रसीद है हम लोग ले जाते हैं कोर्ट में तो बोलते हैं नहीं ये सब पीते ले ये सोना नहीं है वो सब आपस में बांट लेते हैं वो लोग का दर दिन के यही काम है दर दिन 2 बजे 3 बजे रात को घरों में घुसते हैं और इन लोग का छातियों में हाथ डालते हैं बहुत बदसलूकी हम लोग का साथ करते हैं ये इधर ये कल्याण का पुलिस The village head's version is starkly different from the information available about them in the public domain. Unfortunately, not much is available about them from an anthropological standpoint. Historians have shrugged their shoulders when inquired about this group. A search on the internet shows the Irani name figuring in chain snatching incidents, bike thefts, house break-ins, and more. The police from various zones have carried out multiple raids in 2015 alone on the basis of such complaints. क्या करते हैं गॉगल्स का चश्मा व्यापार करता हूँ स्टॉक बेचता हूँ नक का इससे सफर वफर जाता हूँ दिल्ली साइड में कलकत्ता साइड में स्टॉक का धंधा करते हैं व्यापार है हम लोग को आता है वही चीज़ के लिए करते हैं हम लोग अब मैंने सुना कि आपको पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन में भगाया था और आप बिल्डिंग से जम मारा क्या हुआ था बताएंगे मतलब वही दरवाजा तोड़ रहे थे तो मैंने बोला क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया फिर डर की वजह से मैं जम मारा 3 मंजिले बिल्डिंग से तो फिर ऐसा
अब आके यहाँ ये कहाँ पहुँचे थे? मतलब बिल्डिंग में जो दोस्त लोग का बिल्डिंग था, हम लोग पार्टी वार्टी ऐसे ही बैठ के मना रहे थे, एक का बर्थडे था, तो उन लोग आए टक टक करे, दो जन थे, उन लोग पेप से उतर के गए तो पेप टूट गया था, तो मैं लास्ट ही बचा था, मैंने डर की वजह से फिर जम मार दिया। मैंने बोला क्या किया मैंने, काय को इतना पुलिस आ रहा है मेरे लिए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसे, फिर डर की वजह से मैंने जम मारा, डर की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आया था। उसके बाद जम मारा, अभी कम से कम 8-9 महीने हो रहा है मेरे को, साल भर को होने आया, पैर अभी तक ठीक हुआ ही नहीं। डर की वजह से कहाँ लेके गई मेरे को, डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किए, तो मेरे मम्मी पापा लोग आए थे, फिर हम लोग केस करने वाले थे, फिर हम लोग ने कोई समझाया, बोलते हैं मत करो सही नहीं है ऐसा ऐसा, ऐसा बहुत पैसे गए बोलते खाली पीले। मैंने इतना साल और समय लगा मेरे को कमाने के लिए, सब मेरे ये पैर के वजह से गया, पूरा प्रॉपर्टी कुछ बचा नहीं, एक घर भी बचा वो भी बेचने को दिया, हो गया उसका भी। The Iranis claim to be innocent, they claim to be victims of profiling and the target of a police force that uses their belonging to a different culture as the basis for its suspicion. This suspicion and a growing number of cases of theft resulted in the police carrying out a raid to nab the culprits, but unfortunately, a young boy died. Koi jo ghar se utha ke le jaate wo mukal lagte usko par, tum humko bolo, lagte nahi lagte, lekin ye log kya kiya, budda जवान बच्चा जिसको भी उठा कर, अभी इसका बाप बुढ़ा है, उसके पिताजी 50-60 बरस उम्र है, 2 साल से अंदर है, हमारा भाई हम लोग क्या बम ब्लास्ट करते जो घर में साथ चोर तो बेटा है, सब चोर है तो तुम चोर के साथ माँ बाप को भी ले जाते, भाई बहन माँ बाप को भी ले जाते, हम लोग को मार कर ले जाते, जो हम बोलते बेटा अगर एक ये छोकरी है, ये जवान लड़की है, इसके शादी नहीं हुआ, 2-3 बार इसको पकड़ के ले गया, इसको ऊपर मौका भी डाला था, कैसा हालत से इसको हम लोग छुड़ाया, हम लोग का बदनामी तुम लोग का बदनामी नहीं है, हमको पकड़ कर ले गया, इतना जुल्म किसको ऊपर होते जो हम लोग को ऊपर हो रहे हैं, जवान जवान छोकर लोग के पीछे बैठते हैं, छोकर लोग नदी में जाते और वापस नहीं आते, मर जाते, अभी एक जवान छोकर हम लोग का मर गया, पुलिस का डर से नदी में, और उधर जाके क्या बोला, उधर जाके क्या बोला, बोला सुनो कोई ये लोग को नाव नहीं देना, लास्ट ढूंढने को हम लोग को नाव नहीं मिला, हम लोग खुद अपने बच्चे लोग जाकर ढूंढ कर और लाश निकाला। The Iranis are looked upon as alien as they stay to themselves, marry within the community and manage with small-time jobs. Geographically, they hail from the Baloch region which is today split between Iran and Pakistan. Their ancestors came to India sometime in the 16th century and the tribes travelled mainly along the western part of India. This base in Ambivali is relatively recent and they have cultivated a reputation that deters the locals from speaking about them on record. ये जो जमात है उसको कोई ऐसा संस्कार नहीं है, जैसा सुशिक्षित नहीं, पढ़े लिखे नहीं, कोई नहीं, और संस्कार न होने से वो सब जो जितने भी इधर समाज के लोग रहते हैं, बहुत से समाज के लोग इधर रहते हैं, किसी का समाज का झगड़े होते नहीं, और यही लोगों से सब समाज के कभी ना कभी झगड़े होते हैं, और सब लोगों को उसका बहुत तकलीफ है, और जो ये लोग आए शुरू से हम देखते हैं वो किधर काम नहीं करते, कुछ मेहनत करते नहीं, और जो रहते बहुत शान से रहते, आलीशान से रहते, तो उसका जीवन कैसा, वो जीवन कैसे जीते है ये हमको सवाल पड़ते है। अपन लोग अक्खे दिन सब अपने जो महाराष्ट्रीय लोग है, गुजराती सब समाज के लोग है, कोई भाजी का धंधा करेगा, कोई कपड़े का धंधा करेगा, कोई खेती करेगा, सब करेगा, तभी उसका गुजरान चलता है, उसका पेट चलता है, लेकिन ये लोगों का कुछ काम न करने से उसका पेट चलता है कैसा, वो भी ऐसे है कि सब सबके इसमें गाड़ी, लेडीज़ लोग भी स्कूटी है उसके पास, बच्चे लोगों के पास गाड़ी है, 4-व्हीलर है, और ये सब है, ये आते ही कहाँ से, उसका एक कुछ तभी एक हमको भी सवाल होते हैं, तो भी हम भी
संतता कमेटी के इधर से एसीपी डीसीपी के पास हम अर्जा की है और उसको इधर से हम एक हटाने के लिए क्या भाई जो है आप कौन से देश में से आया है क्या है उधर आप जाओ, इधर सब लोगों को उसके वजह से तकलीफ है। आस्ते आस्ते अभी उनकी आबादी बढ़ गई और स्टेशन नज़दीक गए तो वो लोग स्टेशन से नज़दीक ही रहते। क्यों? उनका व्यापार जो भी रहता है वो लोग नाम के लिए चश्मा बेचते हैं लेकिन असली तो उनका बाहर जाके कुछ दो नंबर का बिजनेस करते हैं और दो नंबर का बिजनेस करने के बाद में रात को या आते जाते तो स्टेशन के लगत रहने के बाद में उनको दो नंबर का बिजनेस करने के लिए अच्छा सेफ्टी होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे गुनहगार हैं, उसमें से कुछ होंगे जो सही भी होंगे और उसकी वजह से फंस जाते हैं उसमें जो बाकी गुनहगार लोग हैं, तो इसके वजह से आप उनकी कभी मदद करते हैं या वैसे ही रहते हैं? मदद बोलेगा तो जो भी नागरिक सुविधा जो है वार्ड की तो वो मानवता का हिसाब से हर वार्ड का कोने कोने में करना पड़ता है तो उधर कौन से जमात के कौन रहते हो लोग नगर सेवक को नहीं देख सकते वो तो करना पड़ता है नगर सेवक को तो वो हिसाब से हमारे जो फर्ज है काम करना वो तो हम लोग करते लेकिन गलत काम के लिए पर्सनल उनको कुछ भी हम लोग मदद नहीं करते क्योंकि उनका वजह से अम्बिवली का नाम थोड़ा ख़राब हो रहा है। हर पेपर में कभी भी अपन पढ़ने को जाता है तो इधर चोरी हो गया, चेन खींचते, बैंक में पैसा गिनते गिनते वो लोग किसी को फंसाते है तो नाम अम्बिवली का ही ईरानी का नाम आता है, जो पकड़ा जाता है तो उसमें नाम ईरानी का ही आता है और अम्बिवली। लास्ट में कानून कोई ज़्यादा कठोर करके कुछ असर गिरा तो इनके ऊपर, नहीं तो ये लोग करते जाएगा और ये घबराहट होएला है अभी महिलाओं लोगों को में तो ये बढ़ते जाएगा ना, तो इसलिए पुलिस का फर्ज है वो तो निभाते। For a group that has meager means and apparently not many wants, the Iranis seem to have left quite an impression on the various departments of the state administration too. कि जितने भी ईरानी बच्चे हैं आज पूरे महाराष्ट्र में चीन नेचिंग का ही काम कर रही है। यहाँ ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अम्बिवली, भिवंडी और मुमरा में इनकी बस्ती है। ये दूसरा कौन सा भी बिजनेस करते नहीं, दूसरा कौन सा काम करते नहीं, खाली चेंज नेचिंग और चिटिंग का काम करते हैं। अभी मेरे एरिया में पिछले साल 97 चेंज नेचिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए हैं, अभी तक 47 रजिस्टर हुए हैं। ये दूसरा कौन सा भी काम करते नहीं और जो अभी आपसे बात कर रहे हैं वो पूरी झूठी बात है। चेंज नेचिंग करने के बाद जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे इन्फॉर्मेंट में हुआ है जब हम उनको पकड़ने के जाते हैं तो पूरा लेडीज़ औरत इकट्ठा होके पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। पिछले साल में ऐसे 6 बार हमारे पुलिस के ऊपर उन्होंने अटैक किया है और जब हम किसी को पकड़ते हैं तो सब महिला इकट्ठा होकर उसको भगा देते हैं और इनका आजकल का जीवन खाली चेंज नेचिंग और चिटिंग के ऊपर ही चल रहा है। दूसरा कौन सा ही इनका बिजनेस नहीं, दूसरा कौन सा काम नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि जो उनके हिसाब से 200 से 250 परिवार वहाँ रहते हैं पूरे ईरानी पाड़ा, उसमें से एक या दो परिवार नहीं करता होगा, बाकी सबके परिवार के बच्चे चेन नेचिंग ही करते हैं। तो जो अब ये हादसा हो गया था 2 महीने पहले, ये बच्चा जो पानी में डूब के मर गया था, लोग वो कह रहे हैं कि वो तो यहाँ रहता भी नहीं था, वो गुलबर्गा से आया है। नहीं नहीं, उसका रिकॉर्ड है यहाँ पे, उसको अंधेरे में अरेस्ट हुआ है, बाहर पुलिस जगह पे अरेस्ट है, महाराष्ट्र में उसके कम से कम 20 गुने दाखिल है उसके ऊपर, उस लड़के के ऊपर गुने दाखिल है, अरेस्ट हो चुके हैं इसके अंदर। अभी पिछले साल में मेरे 50 केस डिटेक्ट हुआ है, कम से कम उसमें 60 या 65 रुपये अरेस्ट हुए हैं। अभी 30 केस डिटेक्ट हुआ है, उसमें कम से कम 25-30 रुपये अटक हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम औरतों पे भी पुलिस वाले अटैक करते हैं और हमारे साथ भी अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं बहुत सारी। झूठ बोल रहे हैं, जो पिछले साल उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया है उसमें उसको अरेस्ट करना है। तो उन्होंने हमको फोटोज दिखाई कि पुलिस ने हमको मारा है, झूठ बताते हैं, ये सब गलत है। गलत है, जब समझो अगर किसी को पकड़ने जाएंगे हम जिसका, और आजकल हम कोर्ट के थ्रू वारंट लेके सर्च के लिए जा रहे हैं, मतलब उनको भी बाद में तकलीफ
नहीं होना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए, इसलिए हम कोर्ट से ऑर्डर लेके सर्च वारंट लेके जाके वो सर्च वहाँ कर रहे हैं। नहीं, 2-3 हफ्ते में नहीं, अभी तो कॉमिंग बंद हुआ है, 1-2 महीना पहले कॉमिंग हो चुका था। पुलिस के रेड डेली चालू है, पुलिस के रेड डेली आना, पकड़ना, ले जाना, ये मकसद चालू है। तो ये सच है या झूठ है, मतलब इनमें मतलब कितनी सच्चाई है ये जो बात जो पुलिस करती है? अभी इसमें ये है कि अगर कोई एक छोटा सा क्राइम होता है या कोई क्राइम करता है तो पुलिस के टारगेट में सिर्फ ईरानी ही रहता है। अगर मान लो एक जन ने किया है, किसने किया है ऐसा नहीं है, आते हैं जो भी मिल जाता है पकड़ के ले जाते हैं, ये कहते हैं कि तुम लोग का क्राइम है, तुम लोग स्नैचर हो। अब ये किसने कौन से केस में लेगा ये पता नहीं है, कल्याण में किसने किया है या उल्लासनगर में किसने किया है या थाना में किसने किया है, बस जहन में यही है ईरानी लोग ने स्नैचिंग किया है तो लोग उसको जाके पकड़ लेते हैं, उसमें फिर कोई भी आदमी है उठा के ले जाते हो केस डाल देते हैं। और फिर क्या करते हैं? केस डालना अभी ऐसा, अभी आपका मोमेंट ऐसा है, अगर पुलिस ले जाता है तो सबसे पहले सोने का ये रखते हैं प्रस्ताव, क्या हमें जो है 0.5 किलो रिकवरी दो, 1 किलो रिकवरी दो। अगर आप लोग रिकवरी नहीं दोगे या सोनार बताओ या सोना, बच्चे लोग को बांटते बहुत हैं, आप सोना किसको देते हो, ये हकीकत बात बता रहा हूँ, सोना किसको देते हो, नहीं है तो सोनार ना तो घर से ला के दो, नहीं तो मौका में डाल देंगे। मौका के डर से बहुत से पैसे पुलिस ने वसूल किया है ईरानियों से। अभी की जिस बात है कि 1 तारीख थाना क्राइम ब्रांच 1 नंबर यूनिट 31 और 1 तारीख की रात बीच में 3:30 बजे रेड करके मेरे ससुराल के घर में मेरा लड़का और 2 बच्चे लोग को पुलिस ने उठा के ले गया, और बस वही बात चालू है थाने 1 नंबर यूनिट जोन, 1 किलो सोना लाओ, 0.5 किलो लाओ, ला के दो नहीं तो उन लोग पे मौका मारेंगे। फिर 5 तारीख को उन लोगों को कोर्ट में पेश किया है, 4 दिन का पीसी लिया है। अब भाई अम्बेवली के ये दसूर रात में हर तरह की पुलिस आ रही है ईरानी लोग के लिए, कभी दादर की आ रही है तो कभी न्यू बॉम्बे की आ रही है, कभी डम्बोली की आ रहा है, कल्याण का आ रहा है, चालू क्राइम का एक। हाँ बोलिए। तो इसका शुरुआत पुलिस ने करा है कि ये मतलब कुछ होने के लिए कहीं आग तो लगनी चाहिए? जी हाँ, हमारे बच्चों में गलती है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जैसे सज़ा है, जैसे गुना है, उसकी सज़ा काफ़ी बड़ी मिल रही है अभी। अब ऐसा है कि कोई गुना कोई और भी करे, पुलिस की नज़र में यही है कि ईरानी लोग ने ही किया है। हमारे पास अल्फाज नहीं पुलिस को ये बात मतलब बताना कि नहीं किया, नहीं, आप लोग क्रिमिनल हो, हमें चुप बैठना पड़ता है। तो कहीं से आपको मदद नहीं है? कोई मदद नहीं है। कौन से कॉलेज में? सुनावने कॉलेज। सुनावने यहाँ पे? कल्याण में। कल्याण में कहाँ पे? मॉडल कॉलेज के पास है कि शिवाजी चौक? नया कॉलेज है? नहीं। अच्छा, तो कौन से क्लास में? 11वीं। तेरे साथ अभी तो कुछ हुआ नहीं है ना, ऐसा कुछ किया नहीं है ना? 3 बार पकड़ा पुलिस ने। 3 बार पकड़ा है तेरे को? क्यों? पता नहीं, बोलते चोरी करते कॉमिंग करते बच्चे लोगों को पकड़ते, फिर कागज वागज दिखाते तो इसको छोड़ देते, तो तकलीफ होती है। मारते, टॉर्चर करते, बोलते, गुस्सा भी आता है, तो देखिए उठा के लेके जाते कॉलेज पढ़ते। एक बार 5,000 लिया, फिर 20,000 लिया, तो अब बार भी 10,000 लिया, सारे रिश्ते हो रहे सब। तो पढ़ाई मत छोड़ियो। नहीं नहीं छोड़ा। हाँ वही पूरा करो। This chorus of voices all speaking against the Iranis are probable proof of their occupation. And hence when a boy lost his life, it was given scant attention and lost in the pages of newspapers that have bigger news to follow. But maybe the community wants to move on. The women who are blamed for shielding their men when the police come calling are sending boys to school. But is there really hope for these people who the world terms as thieves and wants to have no part of their lives associated with them?